क्या है? तो गाइस अक्षत का आधार कार्ड अपडेट कराया था। अक्षत और आकृति का ना हमने आधार कार्ड अपडेट करवाया था, उसमें से अक्षत का आधार कार्ड अभी भी पहुंच गया है घर। और मैं अभी थोड़ा रेस्ट करके उठाऊं, दिन में आकर थोड़ा रेस्ट कर ली गर्मी के टाइम में। आज बनेगी स्पेशल अक्षत की डिमांड पे, मम्मा उसको बना के दे रहे हैं। आपको पता ही, पिछले ब्लॉग अगर आपने देखा हो तो क्या सेमिया जिसको हम बोलते हैं, वो होती ना दूध मिला के फेनिया सी बनती थी पहले वो, और मम्मा बनाएगी अक्षत के लिए, क्योंकि अक्षत ने प्रण किया कि अब मम्मा पापा का कहना है ना। आधार कार्ड, हाँ, अक्षत के आधार कार्ड की बहुत ज्यादा खुशी है, पता नहीं क्या। तो गाइस देखो, बड़ी बड़ी चीजें जो होती है वो लोग करते हैं अनबॉक्सिंग। अक्षत ने कर दिया अपना आधार अनबॉक्सिंग। अभी हम गाइस निकल रहे हैं मार्केट के लिए, जैसे कि आपको पता है तब से मार्केट जाने के लिए बैठे हुए। पहले आकृति तैयार नहीं हो रही थी, अब आकृति तैयार हो गई, फिर अक्षत तैयार हो गया। तो गाइस मैं अच्छा तैयार हो गया, देखो एक लाइनिंग एंड डार्क मूड, मुझे स्टाइल अच्छा लगेगा। गाइस आकृति को मना रहे की चल चल, अब आप तो तैयार हो जाओ पहले। मैं तैयार हूँ, देख मैसेज आता हूँ, आ जा। और मम्मा भी बिल्कुल तैयार है, देखो तो दरवाजा बंद करने के लिए आ जाओ। हम दूध लेने के लिए आ गए हैं और यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है, तो मुझे डर है कि फोन ना उड़ जाए इसके साथ ही साथ। फोन नहीं उड़ेगा, फोन भारी होता है। तो मैं तो उड़ूंगी ना साथ में। पे बन रहे हैं टोस्ट और साथ में है इवनिंग टी। अक्षत ने क्या पहना है? ये चश्मा। वाओ यार, अक्षत सुंदर लग रहा है। और ये देखो डॉल भी आ गई। गेस ऑन योर फेस, गेस ऑन योर फेस। व्हाई ऑन द फ्लोर ऐसे मार दे रहे। और तो गाइस अक्षत के साथ आकृति जब भी खेलती है ना, 3-4 घंटे उसको समझाती है फिर खेलती है। खेल के नहीं, खेल होता ही नहीं है। हां फिर झगड़ा हो जाएगा, फिर झगड़ा हो गया। तो गाइस देखिए खेलने का स्टाइल देखो बच्चों का, यार मजा आ जाता देख खेल को। यार अब भी झगड़े भी होने। गाइस अभी हम मंदिर जा रहे हैं। जय हाँ बुजुर्ग, जय भोलेनाथ। ये पत्थर के बनते हैं। गाइस कैसे हो आप सब? आज संडे का दिन है और आज हमारे यहाँ पे दो फंक्शन एक साथ ही हैं। तो गाइस आज संडे हम जाएंगे गुरुद्वारे, संडे में गुरु दरबारे जाते हैं। तो गाइस दो फंक्शन एक साथ है, वहाँ पर क्या कि फिर अब बारी बारी दोनों जगह जाना पड़ेगा। और अक्षत आकृति मेरे साथ जा रहे हैं। आज संडे है तो गाइस तो डेट तो आज है। तो चले यार बाबू, चलो चलते। तो गाइस आज है मार्च, तो आज है सबने तो जाएंगे गुरुद्वारे में। तो गाइस प्रोग्राम वगैरह जो भी थे हमारे यहाँ पे पड़ोस में, आपको मैंने बताया था ना, मैं वहाँ से घर आ गया हूँ और बढ़िया हो गया प्रोग्राम, बहुत अच्छा था। और सुखमणि साहब का पाठ होता है पंजाब में, सुखमणि साहब का पाठ बोलते हैं, वो था दोनों जगह पे।
पर थकावट बहुत ज़्यादा हो गई, दोनों जगह पे टाइम लग गया और फिर आके मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। और आपको बता दूं कि अभी का ये सीन है कि कपड़े बाहर धोने लगा दिए, क्योंकि संडे का दिन है, कपड़े धुलते हैं आज के दिन। आज सारे काम थोड़े थोड़े डिले हो गए तो थकावट भी होगी बहुत ज़्यादा, अभी वर्कआउट लगाना है। गाइस पीछे चल रही है मशीन। मौसम की बात करें तो धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी, और जहाँ पे हम प्रोग्राम में गए थे वहाँ पे भी बच्चों को भी गर्मी महसूस हुई, मेरे को भी हुई। जबकि आज मैंने कपड़े भी बल्कि सिंगल सिंगल टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह कैरी किया था, ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहनते, लेकिन गर्मी लग रही है, मौसम में चेंजिंग आ चुकी है अभी यहाँ पे। गाइस मेरे मन में ये चीज़ चलती कि मैंने जैसे ब्लॉगिंग वगैरह शुरू की है तो फिर इसको क्यों छोड़ा जाए, है ना, कंटिन्यू करते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन ना मैं आपको सच बता रहा हूँ, आसान बात नहीं है यार, आसान बात नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी कई बार साथ दे ना दे, कई बार आप बीमार होते हो लेकिन फिर भी आपको उठना पड़ता है। और दिन के 24 घंटे होते हैं, उसमें से जैसे मेरा ड्यूटी का शेड्यूल भी है, काम का शेड्यूल भी है, एक्सरसाइज भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन उन सब चीज़ों में अपने आप को मेंटेन करते हुए ना, मतलब ब्लॉगिंग करनी बहुत बड़ी बात होती है। गाइस मैं ना अभी पूजा का एक फ़ोन देख रहा था, फ़ोन में मेरे को मिले 3 क्लिप और वो क्लिप इतने फनी है ना, मेरे को लगता है कि आपको भी दिखाना चाहिए। वो पूजा ने ना बनाए थे ब्लॉगिंग करने के लिए और बनाए, लेकिन मेरे को सेंड नहीं किए, तो वो पुराने क्लिप है लेकिन आपको दिखाते हैं और इसी वीडियो में डाल देता हूँ मैं, आप देखना। और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, उसमें अक्षत की और आकृति की हरकतें भी अच्छी अच्छी हैं। यहाँ पे चल रही है एक्टिविटीज और एक्टिविटीज अक्षत के बाते में भी मिलती आ गई। यहाँ पे लगानी थी ये वाला एक्टिविटी, ये देखो अक्षत क्या कर रहा है, अक्षत फेस दिखाओ इधर, ये देखो माथे पे भी बिंदी लगी हुई है, कूनी पे भी। आप हमारा ब्लॉग रोज देखते ही होगे तो आपको पता होगा कि ये वही नमकीन के पैकेट्स हैं जो मेरे लिए सरप्राइज आए थे, जिसमें से मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। तो गाई यहाँ पे चल रही है सबकी रेस्ट, सब जने आके रेस्ट कर रहे हैं, अक्षत भी रेस्ट कर रहा है और तीनों के हाथों में फ़ोन है। आजकल के समय में रेस्ट करना यानी कि फ़ोन देखना ये चीज़ है। सो गाई जैसे कि आपने देख ही लिया कि आज हम बाहर गए थे, वहाँ पे भी काफ़ी टाइम वगैरह लग गया, जो भी था इस करके आज ब्लॉगिंग वगैरह भी इतनी होनी पाई, लेकिन कोई नहीं, छोटा ब्लॉग है लेकिन आया जरूर है। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आकृति क्या बोलेगी? सो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। और अक्षत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, सपोर्ट कर लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इंग्लिश वर्सेस तो गाइस मैं आपको बताऊं कि जिस दिन से हमने ब्लॉगिंग शुरू किया ना, तो उससे भी अक्षत को ना थोड़ा सा बोलने का ना थोड़ा सा अच्छा हो गया, तो ये ब्लॉगिंग का ना मेरे को पूजा है ना इस चीज़ का थोड़ा सा तो हुआ है कि हमारा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हो गया और काफी अच्छा बोल लेता, लेकिन कई बार तो इतना बोल लेता कि इसको रोकना पड़ता कि बस कर यार आज इतना ना बोल, बस कर। और हाँ पुत्तु, सो गाइस जब मेरे मामू का कॉल आया था ना, तब अक्षय ने बोला ऐसे, जब स्टार्ट हुआ था ना कॉल, तो उसने हेलो मामू नहीं बोला, उसने बोला हेलो गाइस, की आदत पड़ गई। हाँ ऐसा भी करता अक्षत। और यहाँ तक कि कल पता नहीं किसने, आकृति ने भी तो बोला था मेरे को, कुछ बोला था ना उसने कल गाइस करके कुछ। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, हाँ तो कल मेरे को बोल रही है आकृति की पापा मैंने आपको बताना, ऐसा बोलने की वजह पता क्या बोल रही है? तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, मैं कहा तू अभी क्या, इनके इनके लिए किसी का भी फोन आता है, ये किसी से भी बात करते हैं ना, तो गाइस हाँ मतलब की जैसे ना ब्लॉगिंग में बात करते ना गाइस बोलने लग जाते हैं। हाँ तो जैसे ब्लॉगिंग में जैसे बातें करते ना हम लोग बच्चे, वही सीख रहे हैं। फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं तक रखेंगे, आपको मिलेंगे कल। और अगर हमारे ब्लॉग आपको फिर से रिपीट करते पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ करेंगे बाय बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर।